देख रहे इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, अखिलेश यादव का इसी बीच बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव में जीत है पक्की, अखिलेश यादव ने बयान दिया है, कहा है कि 80% जनता बीजेपी के खिलाफ है, यूपी में जनता बदलाव चाहती है और जनता हमारी सरकार को वापस से याद कर रही है। और ऐसे में उन्होंने अपने जीत का यहाँ पर दावा किया है, कहा है कि 80% जनता बीजेपी के खिलाफ है और एक बार फिर से सपा की सरकार को यहाँ पर जनता याद कर रही है। तो ये बड़ा बयान अखिलेश यादव का सामने आया, कहा है कि जनता हमारी सरकार को वापस से याद कर रही है और इस बार जनता बदलाव जरूर लाएगी। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव करीब है, तमाम पार्टियां एक्शन मोड में भी हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है, कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार जीत तो पक्की है। और जिस तरीके से हम लगातार देखते आ रहे हैं, सपा लगातार जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, वापस से सत्ता में बरकरारी को लेकर लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव जनता के बीच जा रहे हैं, सपा के तमाम कार्यकर्ता भी जनता के बीच जा रहे हैं और यहाँ पर उनसे अपने पार्टी के हक में वोट करने की भी लगातार जो अपील है वो की जा रही है। यानी कि तमाम पार्टी एक्शन मोड में तो नजर आ रही है और इसी के बीच अखिलेश यादव का भी इसी दरमियान बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यहाँ पर अपने जीत का दावा किया है, उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार तो जीत पक्की है और 80% जनता बीजेपी के खिलाफ है और इस विधानसभा चुनाव में इस बार वापस से सपा वापसी करेगी। तो ये अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अखिलेश यादव ने ये बयान देते हुए कहा है कि 80% ऐसी जनता है जो बीजेपी को पसंद नहीं करती है और इस बार चुनाव के बाद बीजेपी का सफाया होगा और वापस से सपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता निगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं, समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनकर के आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है।